So this is the third lecture of modern history. ये अपना तीसरा lecture है modern history का. बहुत 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 important part है ये और काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं और यहीं से अपने को समझ में आएगा कि आखिर अंग्रेज या यूरोपियंस भारत में आकर के इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए और उसी के बारे में हम लोग समझेंगे. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो बेसिकली किस चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि आखिर यूरोपियंस यहाँ आए क्यों. तो पहले हम लोगों ने देखा था कि इंटरमीडिएट ट्रेड्स होते थे अरब्स के थ्रू, लेकिन वो कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के बाद बंद हो गया और काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है इटली के जो व्यापारीज होते थे वेनिस और गुएना के वो कमा रहे थे. तो और वो नहीं चाहते थे कि जो है डायरेक्ट लिंक जो है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का इंडिया के साथ या ईस्ट इंडीज़ के साथ हो. लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, वहाँ के रेनेसांस के वजह से बहुत सारे जो हैं एडवेंचरस ट्रेवलर्स हुए और उन्होंने जिम्मेवारी उठाई कि नहीं भाई हम तो रास्ता खोजेंगे, ठीक है. और उन्होंने रास्ता ढूंढ भी लिया. वास्को डा गामा जी जो थे भारत पहुंच भी गए. फिर देखा व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं. अब एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरीके से वो लोग भारत में आना स्टार्ट किए. तो ऑलरेडी हम लोग डच के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अंग्रेज़ के बारे में भी पढ़ चुके हैं, डेनमार्क डेंस जो थे उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं. अब एक जो सबसे लेट भारत आया लेकिन जो सबसे टफ चैलेंज देगा अंग्रेज़ों को यहाँ पे, वो भारत आता है, ठीक है. तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशंस रहा कि फ्रेंच आए लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल होते चले गए और क्यों जो है इतना इम्पोर्टेंट रोल रहा उनका ड्यूप्ले का इस पूरे प्रकरण के अंदर, ठीक है. उसको समझने की कोशिश करेंगे क्यों अंग्रेज़ों से उनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई. ये तो सिंपल सी बात है कि इम्पीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद का समय है, तो ऑब्वियस सी बात है सभी अपने अपने अथॉरिटीज़ को स्ट्रेथन करने की कोशिश करेंगे. और जब एक कोशिश करेगा दूसरा उसको रोकेगा तो युद्ध तो होना संभावित है, इट मस्ट हैपन्स. और उसमें आपका कर्नाटिक वॉर्स होगा, ठीक है. और कर्नाटिक वार के बाद हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंग्रेज़ों ने सारे यूरोपियंस को यहाँ से चलता किया, ठीक है. उन्होंने उसका जो अपोजिशंस या जो स्ट्रगल उनको था फेस करना वो यूरोपियन पार्ट से कंप्लीट हो गया. और उसके बाद जो अपने लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके कि किस तरीके से वो मैसूर को कैप्चर करेगा, मराठा को कैप्चर करेगा, सिख को कैप्चर करेगा, बंगाल कैसे कैप्चर होगा. तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा है अभी, तो आज हम लोग फ्रेंच के बारे में समझेंगे. अब ये तो पॉसिबल ही था कि जब सभी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बेचारा फ्रेंच क्यों पीछे रहे, ठीक है. तो वहाँ पे एक मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था कॉलबर्ट. उन्होंने राजा को बताया, ठीक है, लुइस 14 को, कि भाई सभी लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, उस तरफ ट्रेड को इस्टेब्लिश करना चाहिए. तो फ्रेंच कंपनी बनाई गई, ठीक है, कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटलिस 1664 के अंदर, ठीक है. लेकिन ये कंपनी की एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, ठीक है, कि राजा के कंट्रोल के अंदर था ये कंपनी. और बाद में देखेंगे यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी रहा. एडवांटेज इन द सेंस कि इसको अपना खर्च नहीं करना है, सारे जो पैसे की हेल्प होगी वो राजा कर देगा, उसमें इनको कुछ अपना डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है. और यही बाद में जब हम लोग देखेंगे कि डुप्ले को हटा करके जो है गोदेहू को भेजते हैं तो वहाँ पर भी ये सबसे बड़ा वीकनेस होता है क्योंकि उनको रियल सिचुएशन पता नहीं होता है कि भाई इंडिया में हो क्या रहा है. वो तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं.
हाँ, तो ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ फ्रेंच कंपनी बनती है। श्रेय जाता है कॉलबर्ट और लुइस 14 को, 1664 याद रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कंपनी बन गई। अब मुद्दा आता है कि भाई वो लोग को भारत आना था, ठीक है, तो उसमें दो नाम आपको याद रखना है कि पहला जो बैच आया इनका फ्रांसिस कैरो और पर्शिया का एक था मरकारा, ये दोनों मिलकर के आते हैं कब भारत, तो 1667 में। जब आएंगे तो इनका भी पर्पस तो यही होगा कि वे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करें, ठीक है, और तब तक तो जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब मेडाइवल पढ़ेंगे तो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब का शासन भारत पे उस समय था। 1707 में औरंगजेब मरेगा, तो औरंगजेब ही थे। अब यहाँ पे जब वो सूरत आते हैं और अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे सूरत के अंदर 1668, ये चीज़ अपने को याद रखना होता है हर एक में से कि कब किसने कहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की है। फिर मरकारा जो थे उन्होंने सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से परमिशन लिया कि भाई हम लोगों को फैक्ट्री लगाने का जगह दीजिए, तो मसूलीपट्टनम जो है सेकंड फैक्ट्री आपका लगता है फ्रेंच का। फिर पुडुचेरी 1673, और इसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस मार्टिन थे और वो शेर खान लोदी जो थे सूबेदार ऑफ वलीकोंडापुर, उनसे जो है परमिशन लेते हैं कि भाई हम लोगों को फैक्ट्री लगाना है। तो 1673 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्री इनकी थी पुडुचेरी, पौंडीचेरी है अभी, अभी पहले था, अब पुडुचेरी है, और वहाँ पे इन्होंने एक अपना फैक्ट्री लगाया जिसका नाम रखा फोर्ट लुई। तो फ्रांसिस कैरो साहब किसके साथ आए, तो मरकारा के साथ आए। सबसे पहले कहाँ पे फैक्ट्री लगा दी, सब लोग सूरत में ही लगाते थे, वहीं से सारा व्यापार का जो है सेंटर था। फिर गोलकोंडा के जो है सुल्तान से परमिशन लेकर के मसूलीपट्टनम में लगाए, और वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी के परमिशन से पुडुचेरी के अंदर लगाए 1673 के अंदर, और नाम ध्यान रखेंगे फोर्ट लुई। अब एक जो है इम्पोर्टेंट नाम है शाहिस्ता खान, ठीक है, मेडाइवल में हम लोग पढ़ेंगे शाहिस्ता खान जी के बारे में। तो शाहिस्ता खान जो है पहले तो साउथ इंडिया में ही था, ठीक है, लेकिन शिवाजी के साथ लड़ाई होती है, उसमें ये हार जाता है, ठीक है, और शिवाजी इसका उंगली काट देते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब इनको कहता है कि नहीं भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम कहाँ चले जाओ, बंगाल। तो शाइस्ता खान को बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और वहाँ पे फ्रेंच लोग इससे परमिशन मांगते हैं कि भाई हम लोगों को जगह दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने जो जगह दिया बंगाल में, वहाँ पे इन लोगों ने चंद्रनगर की जो है फैक्ट्री लगाई, ठीक है, 1692 में। तो जो है 1674 में परमिशन मिलता है इनको, ठीक है, और ये फैक्ट्री अपना एस्टेब्लिश करते हैं चंद्रनगर के 1692 में। उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा इन लोगों का, ठीक है, कि ऑलरेडी यहाँ पे डच थे, इंग्लिश थे, ठीक है, पुर्तगीज़ का पावर 1612 के बाद, बैटल ऑफ सॉलिक के बाद ख़त्म हो गया था। तो डच जो है अंग्रेज़ों से मिलता है और ये दोनों मिल करके अटैक कर देते हैं, ठीक है, पौंडीचेरी के ऊपर, और पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेंच से, और 1693 के अंदर, ठीक है। फिर जो है 1697 में एक रिजविक की संधि होती है, द ट्रीटी ऑफ रिजविक, और फ्रांस को वापस पौंडीचेरी मिल जाएगा। अब जब 18th सेंचुरी आएगा तो ये जो है धीरे 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 अपने एरियाज़ को इंक्रीज़ करेगा। तो 1721 में ये मॉरिसस कैप्चर करता है, मॉरिसस के एक गवर्नर होंगे ला बोर्डॉन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कर्नाटिक वॉर के ड्यूरेशन में, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में। 1724 मालाबार माही, ठीक है, उसको कैप्चर करेगा ये, ठीक है। 1739 में कराईकल, यानी धीरे धीरे इन्होंने अपने एरियाज़ को इंक्रीज़ करना शुरू किया, लेकिन अभी तक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ये नहीं जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि जो इनिशियल टाइम के इनके गवर्नर्स थे, ठीक है, फ्रेंच पियरे क्रिस्टोफे ले नोयर नोयर, ठीक है, फ्रेंच गवर्नर थे पियरे क्रिस्टोफे ले नोयर, ठीक है, जो कि 1726 से 35 के बीच में रहे थे। दूसरे थे पियरे बेनोई ड्यूमास, जो 1735 से 1741 के बीच में रहे थे। उन्होंने बेसिकली इसको एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में ही रखा था, ठीक है, लेकिन पौंडीचेरी का जो इलाका था उसको धीरे धीरे ये अपना इंक्रीज़
कर रहे थे, लेकिन अभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाने जा रहे थे, परमिशन मांग रहे थे, परमिशन मिल रहा था, फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक इनका काफ़ी स्मूथली चलता है, ठीक है। लेकिन समस्या आती है जब दो काफ़ी एम्बिशियस आदमी जो है आएंगे अपने जो है इंडिया के अंदर। एक था आपके पास 1741 के अंदर आए थे, जोसेफ फ्रैंक्वाइस ड्यूप्ले, ठीक है। द मेन पर्सन बिहाइंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया इज दिस वन, ठीक है, ड्यूप्ले। क्योंकि सारी थियरी, सारी फिलॉसफी इसी की बनाई हुई थी, ठीक है, कि किंग मेकर बनना है। इसने ही ढूंढा कि भाई इंडियंस सिर्फ राजा कहने के लिए होते हैं, पावर कुछ नहीं है, ठीक है। इसने ही सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट ढूंढा था कि भाई किसको मदद करें और फिर दूसरे को कैसे हराया जाए। तो जीनियस पर्सनैलिटीज ड्यूप्ले, ठीक है। और ये एक एम्बिशन के साथ ही आया था कि नहीं भैया हमको तो पावर इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ड्यूपली जो था वेरी मच जो है पर्सनालिटी, एमिनेंट पर्सनालिटी। और दूसरा एक क्लर्क के रूप में आया था, रॉबर्ट क्लाइव 1744 के अंदर, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्लर्क था वो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समझदार, ठीक है, जिसने ड्यूपले के होप की जो है बुरी तरीके से जो है जितना डुप्ले सोच रहा था उससे उसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर की गई। तो डुप्ले जब आता है तो इसको एक अच्छा सेनापति भी मिलता है बुस्सी के फॉर्म में, और ये हैदराबाद से लेकर के केप कमोरिन तक का इलाका कैप्चर करता चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अंग्रेज़ तो ऑलरेडी मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, कोलकाता, कलकत्ता, इन सब पे अपना एस्टेब्लिशमेंट कर चुके थे इनफैक्ट। और ये लोग जो थे अपना पावर बढ़ा रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो है एक पावर में है और दूसरा अपना पावर इंक्रीज करेगा तो सामने वाले को तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको तो लगेगा कि नहीं भाई चीज़ों को रोकना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो वही चीज़ें हुई, कर्नाटिक वॉर तीन लड़े गए, ठीक है। और चूंकि कर्नाटिक जगह है जहाँ पे ये बैटल हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसको कर्नाटिक वॉर कहते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है किसके बीच फॉट हुआ, ठीक है, तो ये नहीं कहेंगे कहाँ पे कर्नाटक के नवाब थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तरफ आपके ब्रिटिशर्स थे और एक तरफ आपके थे फ्रेंच, इन दोनों के बीच में होता है आपका कर्नाटिक वॉर, ठीक है। और फाइनली तीन बैटल के बाद ब्रिटिशर्स जो है काफ़ी पावरफुली विक्टर बन कर के निकलेंगे, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल फिर उसके बाद तो फिर कहना ही नहीं था कि पूरा किस तरीके से ये पूरा कंट्रोल करेंगे। पूरी कहानी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हम लोग समझे कि अंग्रेज़ इस्टेब्लिश हो चुके थे, फ्रेंच आए, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट शुरू की, और एम्बिशन जो है डुप्ले का इतना हाई था कि जो है जिसके वजह से क्लैश होना तय था। अब फर्स्ट बैटल की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 1746 से लेकर के 1748 के बीच में। अब कहाँ पे, तो कर्नाटक में, किसके बीच में, तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। रीज़न पे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, कि कब क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। तो रीज़न था ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ 1740। अब 1740 के जो है ऑस्ट्रिया के वॉर्स ऑफ सक्सेशन को लेकर के अब फ्रेंच और ब्रिटिश के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। और शुरुआत में काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट आए और युद्ध करना शुरू कर दिए, ठीक है। शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहा था इनका, ठीक है, कोऑपरेटिव भी थे। लेकिन अब कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जिसके वजह से जो है प्रॉब्लम्स होता है। वही चीज़ें हुई कि यूरोप में फाइट कर रहे थे तो जो है अब जहाँ तहाँ देखेंगे एक दूसरे को तो जो है फिर अपना तलवार निकलेगा। तो होता वही है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कैप्टन था बार्नट, ठीक है। उसने क्या किया कि फ्रेंच के कुछ जहाज़ थे, वेसल्स, उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो कैप्टन बार्नट के द्वारा जो है कुछ वेसल्स को कैप्चर किया जाना एक इमीडिएट काउज बना, ठीक है। मेन काउज तो था प्रॉब्लम का, तो वॉर ऑफ सक्सेशन जो यूरोप में चल रहा था, इमीडिएट काउज बना। बार्नट जो थे उन्होंने फ्रेंच के कुछ चीज़ों को कैप्चर कर लिया। डुप्ले को पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है, ठीक है। तो डुप्ले जो है बहुत ही ज़्यादा समझदार आदमी था, उसने बोला यार अकेले जाएंगे हो सकता है हार जाएं, ठीक है।
तो उसने बुलाया मॉरिसस के जो गवर्नर थे ला बुरडॉन, ठीक है, कि चलो भाई एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा, तो दोनों मिल करके मद्रास पे अटैक करते हैं, घेरा डालते हैं। और इनफैक्ट जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ जितने भी जो बड़े ऑफिशियल्स थे, ठीक है, सबों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि बुरडॉन और डुप्ले में प्रॉब्लम आई। ठीक है, बुरडॉन साहब थे वो बोल रहे थे पैसा वैसा ले लेते हैं, छोड़ देते हैं मद्रास को। ठीक है, डुप्ले बोल रहा था नहीं, इसको कैप्चर करके रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो दोनों के बीच में मतभेद होता है, बुरडॉन चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज जो है, ठीक है, वो चाहते हैं जाने के लिए कर्नाटक के नवाब जो थे अनवरुद्दीन, उससे मदद के लिए। ठीक है, लेकिन डुप्ले जो है ऑलरेडी अनवरुद्दीन से प्रॉमिस कर चुका होता है कि भाई हम आपके लिए ही तो मद्रास जीत रहे हैं, इतना ज़्यादा टैक्स आता है, तो मद्रास जब हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, आपको दे देंगे। ठीक है, तो अनवरुद्दीन जो है आपका मना कर देगा कि हमको जो है हेल्प नहीं करना है अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो अंग्रेज़ जो है आपके यहाँ पे हार ही जाते हैं ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो है मद्रास पे कैप्चर किसका हो जाएगा, तो फ्रेंच का। अब जो सबसे बड़ी जो है इसमें घटना जो घटती है, जो पूरे हिस्ट्री ऑफ इंडिया को जो है खोल के रख देता है यूरोपियंस के सामने, वो था बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है, टॉमे थॉमी ये सब नाम आते हैं आपके। तो इसके अंदर होता क्या है कि कर्नाटक का जो नवाब था, ठीक है, अनवरुद्दीन, वो बोलता है डुप्ले को कि भाई तुम बोले थे कि मद्रास जीत करके हमको दे दोगे, हाँ, लेकिन मद्रास तो तुम दे नहीं रहे हो। तो डुप्ले मना कर देता है कि हम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके वजह से नवाब अटैक करेगा, सेंट थॉमस जगह था वहाँ पे युद्ध होगा, और फ्रांस के एक कैप्टन थे पैराडाइज, उन्होंने नवाब के आर्मी को हरा दिया। ठीक है, नवाब के पास ज़्यादा आर्मी थी, फ्रेंच काफ़ी कम थे, उसके बावजूद भी फ्रेंच ने क्या किया, नवाब के आर्मी को हरा दिया। और यहाँ से जो है फ्रेंच का कहें या फिर यूरोपियंस का कहें कि उनकी जो अपनी जो एम्बिशंस थी वो बढ़ गई, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, अरे हम तो नवाब को हरा दिए। ठीक है, और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है किसके ऊपर पड़ता है, तो यूरोपियंस का जो है किस तरीके से फिर वो अपना एक्सपेंशन करेंगे, और इंडियन रूलर्स की जो कमजोरी है, भीड़ था युद्ध में, क्या होता है आपके पास जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं वही काम आने हैं, भीड़ तो काम आनी नहीं है। हाँ, अनवरुद्दीन के पास नंबर्स ज़्यादा थे लेकिन ट्रेंड सोल्जर्स नहीं थे, फ्रेंच के पास नंबर कम थे लेकिन सारे सोल्जर्स क्या थे, ट्रेंड थे। और जब एक बार आप किसी को हरा देते हैं तो आप फिर अपनी सुप्रीमेसी वहाँ पे साबित कर देते हैं कि भाई अगर हम इसको हरा सकते हैं तो दूसरे को भी हरा सकते हैं। फाइनली फर्स्ट बैटल आपका ख़त्म होगा, लैक्सला चैपले की ट्रीटी होती है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में 1748, और अंग्रेज़ को मद्रास मिल जाएगा वापस, और फ्रेंच जो थे उनको नॉर्थ अमेरिका के अंदर लुईबर्ग जो है आपका वापस मिल जाता है। तो बैटल ऑफ सेंट थॉम हुआ, और जो है लैक्सले चैपले की ट्रीटी से जो है आपका फर्स्ट बैटल तो क्या हो जाएगा, ख़त्म। लेकिन अब युद्ध तो शुरू हो चुका है, ठीक है, तो जब तक इसको जो है फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाए तब तक तो युद्ध को चलना है। सेकेंड बैटल 1749 से 54 के बीच में, यहाँ भी उत्तराधिकार का युद्ध, कहाँ पे, तो हैदराबाद और कर्नाटक। अब ये जो युद्ध था, ठीक है, इसमें जो है फ्रेंच को समझ में आ गया कि अब किंग मेकर बनना है। ठीक है, अगर राजा बनाने वाला हम बन गए फिर राजा तो कम्प्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ें अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो हैदराबाद के अंदर क्या होता है कि आसफ जहाँ की डेथ होती है और उसका बेटा नासिर जंग जो है गद्दी पे बनता बैठता है, लेकिन उसका जो ग्रैंड चाइल्ड होता है, ग्रैंडसन होता है मुजफ्फर जंग। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, मुजफ्फरपुर हो गया है, करेक्ट इट एज द मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग जो है वो भी राजा बनना चाहता है। ठीक है, सेम चीज़ कर्नाटक में था कि अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में जो है पोजीशन को लेकर के टसल था। डुप्ले ने बुलाया कि किसको बनना है भाई, तो बोला कि हाँ भाई जो है मुजफ्फर जंग बोला कि हमको बनना है। ठीक है, बना देते हैं। इधर चंदा साहब को जब डुप्ले सपोर्ट कर देता है, ठीक है, और दोनों मिल करके जो है क्या करते हैं, नासिर जंग की ख़त्म, मुजफ्फर जंग हैदराबाद में बन जाएगा नवाब,
और अनवरुद्दीन के साथ जो है लड़ाई होगी, अंबर का युद्ध, और उसमें जो है चंदा साहब और डुप्ले मिल करके अनवरुद्दीन की हत्या कर देगा, ठीक है, और चंदा साहब को वहाँ पे नवाब बना दिया जाता है। और यहीं से किंग मेकर की भूमिका जो है शुरू होती है, ठीक है। शुरू करने वाला था डुप्ले, लेकिन उसको लेके कौन आगे जाएगा, तो क्लाइव बंगाल पहुंचेगा, वहाँ पे कहेगा किसको बनना है नवाब भाई, तो मीर जाफर खड़ा करेगा हमको बना दो यार, ठीक है। तो वो चीज़ों को, पॉलिसीज़ को जो है कैरी ऑन करने का काम कौन करता है, तो क्लाइव। लेकिन दिमाग किसका था यहाँ पे, तो कम्प्लीटली डुप्ले जो है इस चीज़ को मोनोपलाइज कर रहा था। अब फ्रेंच जो थे किंग मेकर के जो है रोल में आ गए थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या था कि अंग्रेज़ अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, क्या करें भाई, समझ ही नहीं आ रहा था उनको। तो एक मौका मिलता है कि जो अनवरुद्दीन का बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद अली, वो चला जाता है भाग के किसके पास, अंग्रेज़ के पास, कि भैया मदद कर दो, हमको बना दो नवाब, ठीक है। अंग्रेज़ को मौका मिल गया, त्रिचुरापल्ली के अंदर मोहम्मद अली पहुंचता है अंग्रेज़ से मदद मांगने के लिए। इधर पता चला चंदा साहब और डुप्ले को कि भाई जो है मोहम्मद अली पहुंच गया है त्रिचुरापल्ली, तो ये दोनों आर्मी लेकर के त्रिचुरापल्ली को घेर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका मीटिंग चल रहा है अंग्रेज़ का कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। प्रॉब्लम तो आ गई बहुत बड़ी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम लोग आर्कॉट के ऊपर जा कर के अटैक कर दें। आर्कॉट था चंदा साहब का कैपिटल। अब यहाँ पे जो है आर्कॉट पे जैसे ही अटैक होगा, तो चंदा साहब अपनी आर्मी लेकर के अपनी राजधानी बचाने जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी इनका प्रॉब जो है स्ट्रेंथ वीक होगा और सेना क्या हो गई, बट गई। तो चंदा साहब अपने कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कॉट की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले से ही उनका जो है गेम फिक्स था कि जो है आपके तंजौर के राजा थे, उन्होंने उसको क्या किया, मार दिया, ठीक है। तो चंदा साहब का चैप्टर क्लोज। अब यहीं पे जो है आपका गेम खेलता है कौन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके साथ, तो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। कि भाई जो है काफ़ी ज़्यादा जो है करप्शंस था, तो वहाँ पे वो बताता है कि भाई ऐसा करो कि जो है डुप्ले को वापस कर बुला लो, ठीक है। तो इन द मीन टाइम डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। उसके बदले में कहा जाता है अंग्रेज़ों ने खूब कर जो है पैसे वैसे दिए फ्रेंच के जो है मंत्री मंत्री को, ठीक है। और उसके जगह पे गोदोहू को भेजा जाता है, और गोदोहू जो है एक पीस ट्रीटी जो है अंग्रेज़ के साथ साइन कर लेगा, और सेकेंड बैटल आपका क्या होता है, कर्नाटक का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आता है आपके पास थर्ड बैटल, ठीक है। अब थर्ड बैटल जो था होता है आपका 1758 से 1763 के बीच में। इसके पीछे भी रीज़न यही बताया जाता है कि 7 ईयर वॉर था, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप के अंदर, जो मेन काउज बना था थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक का। अब चूंकि अंग्रेज़ जो है काफ़ी बेनिफिट में थे, बैटल ऑफ प्लासी 1757 हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा पैसे वैसे भी आ चुके थे, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो फ्रेंच जो है किसको भेजता है, लैली को, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि फ्रेंच सेंड करता है 1758 में काउंट लैली को, और जैसे ही वो आएगा तो कुछ ना कुछ तो जो है आए हैं तो जो है धूम धड़ाका करें, ठीक है। तो वो अटैक करता है फोर्ट डेविड के ऊपर और कैप्चर कर लेगा। तंजौर के राजा जो थे जिन्होंने चंदा साहब को जो है मार दिया था, ठीक है, उसके ऊपर जो है बोलता है पैसा वैसा दो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश फिर इसमें इंटरफेयर करेंगे कि भाई नहीं, ठीक है। तो वहाँ से इसको बैक ऑफ करना पड़ेगा। लैली उसके बाद मद्रास फोर्ट पे जो है अटैक करने की बात करता है। बुसी जो अभी तक हैदराबाद को कंट्रोल किए हुए था, उसको भी वापस बुला लेता है, यानी हैदराबाद में भी इसका होल्ड क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। तो जो है फिर क्लाइव जो था आपके कर्नल फोर्ड को भेजेगा मद्रास, ठीक है। और साथ ही साथ वो हैदराबाद के साथ भी ट्रीटी कर लेता है, ठीक है। अब हैदराबाद के साथ कौन चला गया, तो अंग्रेज़, जिसके वजह से फ्रेंच की जो पोजीशन थी वो कमज़ोर हो जाती है और उसको मद्रास का घेरा हटाना पड़ता है, ठीक है। मेन बैटल जो होगा आपका वो होगा बैटल ऑफ वांडी वॉस, ठीक है, जिसके अंदर ब्रिटिश के तरफ से सेनापति थे आयरकूट
और फ्रेंच के तरफ से थे बुसी, और इस युद्ध के अंदर इस बैटल में कंप्लीटली फ्रेंच बुरी तरीके से हार जाते हैं। हाँ, तो ये बैटल याद रखेंगे हम लोग, थर्ड कर्नाटिक वॉर में, बैटल ऑफ वांडेवास 1760, फ्रेंच कंप्लीटली सैटर्ड डिफिटेड। अब अंग्रेज जो है पांडिचेरी को घेर लेंगे और फाइनली लैली को सरेंडर करना पड़ेगा, और लैली जब सरेंडर कर देगा, ठीक है, तो फ्रेंच जब संडे सरेंडर कर दिए पांडिचेरी माही जिंजी जो भी इलाका उनके अंदर था, तो 1763 के अंदर एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, फ्रांस को पांडिचेरी दे दिया जाता है कि भाई तुम पांडिचेरी रखो, लेकिन कंडीशंस क्या है कि तुम अपने ही एरिया में रहोगे, किसी भी तरीके से अपने पावर को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करोगे, और फाइनली जो है पांडिचेरी में ही आपके फ्रेंच रह जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि किस तरीके से अंग्रेज जो है आपका कंट्रोल करेगा फ्रेंच को, तो वो चीज़ें हम लोगों ने आज समझी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर फ्रांस हारा क्यों, ठीक है, पावरफुल था, सब चीज़ें थी, विजनरीज लोग थे इसके पास, लेकिन हारा, ठीक है, तो उसके बारे में सोचिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में शुरुआत में कि आखिर क्यों ये चीज़ें हुई। फिर अगला जो अपना लेक्चर होगा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग टीपू सुल्तान, हैदर अली, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टीपू सुल्तान वन ऑफ द बेस्ट रूलर थे अपने समय के, विजनरी आदमी, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।